और बुलंदशहर के थाना खानपुर क्षेत्र मुख्य बाजार में सरेराह पत्रकार के साथ मारपीट करते हुए जानलेवा हमला किया गया। तो सरे बाजार दबंगों ने पत्रकार और उसके परिवार को गाड़ी से खींचकर धारदार हथियार से जमकर मारपीट की। इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो बताया जा रहा है कि पीड़ित पत्रकार परिवार के साथ शॉपिंग कर घर लौट रहा था। मीट शॉप के सामने से बाइक हटाने को लेकर समुदाय विशेष के दर्जनों लोगों ने पत्रकार और उसके परिवार पर हमला करते हुए घायल कर दिया। तो घायल पत्रकार को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने इस मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। तो आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर हजारों लोगों ने थाने का घेराव किया है और सब इंस्पेक्टर इकराम अली को हटाने की भी मांग की गई है। वहीं सीओ सियाना के आश्वासन के बाद प्रदर्शन खत्म हुआ। कौन सा ठाकुर शिव कुमार, जिला युवा प्रमुख भारतीय किसान संघ। थाना खानपुर पर घेराव किया है, क्यों किया है और क्या वजह है? थाना खानपुर में एक अमित कुमार दैनिक जागरण के पत्रकार हैं, जो कि खानपुर में अपनी माताजी के साथ मार्केट में शॉपिंग करने आए थे। वहां पे एक दुकान के सामने एक बाइक खड़ी हुई थी। उस बाइक को हटाने के लिए कहने पर दूसरे पक्ष ने तुरंत कहा कि मैं नहीं हटाता, तू क्या कर लेगा मेरा। इसी बात को कहते हुए तुरंत ही वहाँ पे उसके साथ में जो भी 10-5 लोग थे सभी ने इतनी बुरी तरह से मार लगाई है कि उसकी जो पिटने वाला जो पक्ष है अमित कुमार, उसकी हालत बहुत नाजुक बनी हुई है। और वहाँ पे ताज्जुब की बात यह है कि इकराम अली थाना अध्यक्ष ये दरोगा वहीं पर मौजूद थे, लेकिन उनके सामने भी लोग, पुलिस प्रशासन के सामने भी लोग पिट रहे हैं। क्या होगा ये